गैर कानूनी प्लॉट्स अलॉट करने के मामले में एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का नोटिस आवेजा कर दिया है। अदालत ने नवाज शरीफ को 30 दिन में अदालत पेश होने की वार्निंग दे दी। एहतसाब अदालत के जज असद अली खान ने इश्तिहारी करार देने का अदालती नोटिस जारी किया। तफ्तीशी अफसर ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी का नोटिस अदालत के बाहर और इनकी रिहाइशगाह पर आवेजा किया। तफ्तीशी अफसर वजारत खारजा के जरिए लंदन इश्तिहारी करार देने का नोटिस अरसाल करेगा। नैब की जानिब से हारिस शफीक कुरैशी एडवोकेट पेश हुए। इश्तिहारी नोटिस में कहा गया है कि नवाज शरीफ 30 दिन में अदालत में पेश हों, वरना इनको अदालती इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने नवाज शरीफ के खिलाफ CRPC के दफा 87 के तहत नोटिस जारी किया। अदालत ने नोटिस को नवाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर आवेजा भी कर दिया गया। याद रहे कि नवाज शरीफ के खिलाफ गैर कानूनी प्लाट्स अलाट करने का रेफरेंस नैब ने अदालत में दायर कर रखा है, जिसमें नवाज शरीफ समेत 4 मुलजिमान को नामजद किया गया है।